जब सम्यक दृष्टि को धन कन कंचन राज सुख इनमें कहीं पर भी सुख की कल्पना नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, पर द्रव्य को अपना नहीं मानता, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करता, जब अपने को आत्मा अनुभव कर लिया है, मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा श्रद्धान कर लिया है, और ये राग देश के परिणाम महादुरूप हैं, आश्रम है बंद के कारण हैं, जब ऐसी उसकी श्रद्धा हो गई है तो फिर ये समझ में नहीं आता कि वो पंच इंद्री के विषय भोगों में क्यों प्रवर्ता है, घर गृहस्थी में क्यों रहता है ना। एक कॉमन समस्या है लोगों की, पूरी दुनिया में सबसे कठिन है चौथा गुण स्थान समझाना। समझ में आया? और मजेदार बात है, चौथे गुण स्थान से सब कुछ चालू होता है और चौथा गुण स्थान सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अपन के सीधी सी बात समझ में आती है कि भाई जब मुझे परद्रव्य में सुख बुद्धि नहीं है तो मैं परद्रव्य में प्रवृत्ति क्यों करूँगा। अगर मुझे समझ में आ गया यार पैसे से सुख होने वाला नहीं है तो मैं पैसा कमाने में क्यों लगा रहूँगा। जब भरत जी को पता था कि संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, तो फिर वे चक्रवर्ती बनने क्यों चले गए। माने हमारे हिसाब से सीधा सा में ये समझ में आता है कि जैसा श्रद्धान वैसा आचरण होना चाहिए, ये चाहे हम कहें और चाहे नहीं कहें, ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं। और फिर वो जो जितनी मात्रा में तुम जिसको जो समझते हो फिर उसको उतनी मात्रा में तुम उसके साथ वैसा व्यवहार करते हो। जैसे हम मान के चलो मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, तब आप मेरे से अपेक्षा रखते हो कि पंडित जी बिल्कुल चार हाथ जमीन देख के चलें, समझ में आया, पंडित जी बिल्कुल शांत शीतल एक करवट सोते रहें, है कि नहीं, बाल भी पंडित जी के छोटे छोटे हो, मतलब है ना। और फिर कोई कहते कि शादी शुदा है, पत्नी है, बच्चे, थोड़ा मन फीका सा पड़ जाता है। फिर कोई कह रहे कि पंडित जी तो नॉर्मल ले ले रहे भोजन, और फीका पड़ जाता है। और कोई कह रहे पंडित जी तो देखो जी बहुत ऐसा लेते हैं। आया था मेरे पास किसी भाई का भी, जब मैं आ रहा था अंकुर भैया का कैसे कि आप क्या क्या लेते हो, नॉर्मल ले लेते, तो नॉर्मल तो हम तुम्हारी सहूलियत के लिए लेते हैं, हमें एब नॉर्मल लेने में कोई दिक्कत थोड़ी है। सच बता रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा, मैं तुमसे कह देता कि भाई मैं तो जो है वो 8 दिन तो बोरिंग के पानी में लेता हूँ, बनाओ तुम, और कह देता मैं तो बिल्कुल सामने का लगा हुआ दूध लेता हूँ 8 दिन, क्यों 8 दिन का तो बोलना है, और 8 दिन में ना तो पत्नी की सुननी है, करना तुम्हें है, मेरा क्या जा रहा। और आप मेरे से कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों कि 9वें दिन अगर मुझे तुमने भैंस का दूध पीते देख भी लिया तो मैं कहूँगा वो तो 8 दिन के लिए था, अष्टांग चल रही थी, और पर्व के दिनों में तो संयम से रहना चाहिए। ऐसे भी संयम ही है समाज में, सेवा करो तुम संयम पलता है उनका, दूध निकलवा के लाओ तुम पीते हैं वो, और धर्मात्मा हम कितना सारा लेवल है नहीं है। तो क्या जा रहा मुझे बता, मुझे सर ये तो बोल रहा था भैया देखो मैं 8 दिन तक ना बिल्कुल ऐसा सब मर्यादित चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बता दो 10-20 क्यों भी हो सकता है, और बोरिंग का पानी बोल दो तो और बड़े धर्मात्मा, और कुएं का बोल दो तो आफ्ते ही होगी फिर। अब मैंने कह दिया नॉर्मल भोजन लेते हैं तो फिर आपको लगता है जैसे इसका मतलब ज्ञान ही ज्ञान है। है ना, ठीक है ठीक है। मतलब हमारी एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम आदमी के श्रद्धान को उसके आचरण में देखना चाहते हैं।
अब चौथे गुणस्तर की समस्या है, वो कहता आचरण में दिखेगा नहीं, और हम ये बात जानते कि तुम देखना चाहते हो, तो फिर यहां से ढोंग पैदा होता है। मैं ये ढोंग पैदा होने की जड़ है, क्योंकि तुम्हें ईमानदार आदमी पसंद नहीं, तुम चाहते हो कि तुम तो ढोंग करो, और उस बेचारे को पुजवाने की पड़ी है, समझ में, उसे बड़ा विद्वान दिखना है, त्यागी वृत्ति दिखना है, उसे धर्मात्मा दिखना है, उसे तुम्हारी नजरों में बड़ा ज्ञानी ज्ञानी बनना है, तो वो भी सोचता है कि चालू हो जाओ। मैं ऐसे जो हमारे क्रिया कांड पनपते रहते हैं, और अपनी समाज में 99% ऐसे क्रिया कांड का चलता है, इसलिए अपने क्रिया कांड की मजाक बनती है सब जगह, क्योंकि वो ढोंग दिखता है ना, ढोल अपनी पोल आगे पीछे खोल ही देते हैं, कब तक छुपोगे, कब तक ये बाहर से आचरण ओढ़ोगे, हैं? एक दिन दिख ही जाएगा। एक घटना सुनाता हूँ मैं, आप लोगों को अच्छी लगेगी इसलिए सुनाता हूँ। एक बार मैं जब जयपुर पढ़ता था, तो मैं 12th क्लास में बस एक साल ही पढ़ा था, वरिष्ठ में आया था, तो मैं मालथोन प्रवचन करने गया, तो मालथोन प्रवचन करने गया, तो मेरी उस समय उम्र थी 18-20, 19 साल का था मैं, 19-20 में लगा हूँ, तो गया, तो वहाँ क्या मुझे कुछ ज़्यादा पर कोई इतना तो अपन पढ़ते थे, लेकिन ये बाहर में इतना अपन ने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे अब तुम्हारे यहीं आ गया मैं, अभी क्या था कि वहाँ अब तो मैं कलर वलर कुर्ते पहनने लगा थोड़ा, कि मैंने कलर वलर इसलिए रखे कि थोड़ा आदमी लगे कि आदमी रंगीन है, समझ आया, ब्लैक एंड वाइट नहीं है बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वहाँ पर गया मैं, तो 8-10 लक्षण में गया, तो पहले तो क्या हुआ कि हमने मैं था और एक मेरा दोस्त था, तो हम उतरे बस स्टैंड में, पैंट शर्ट पहने थे, तो तभी पैंट शर्ट पहना था मैं, तो गया तो वो बोले साहब अब वो उस तरफ खड़े समाज के चार लोग, हम इस तरफ खड़े, अब वो पूरी बस खाली हो गई, सारे हमारे इधर उधर चले गए, सामने हम दो और इधर वो चार। अब वो सोच रहे यार अपने जयपुर से विद्वान आ रहे थे आए नहीं, अब हम सोच रहे कि समझ लेने वाले आने थे आए नहीं। मैंने 2-4 मिनट तो खड़ा रहा, लेकिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार भाई मुझे ये लग रहा है ये अपने ही को लेने आए हैं। तो उसने कहा कि यार अपने को लेने आए तो ये अपने पास आ क्यों नहीं रहे। मैंने कोई वही चलो उनके पास चलो। मैंने कहा भाई साहब किसका इंतजार कर रहे हैं आप? तो बोले जयपुर से तो विद्वान आने। हमने कहा वो हम ही हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक गए, बोले आप हो? बोले अरे जयपुर वालों में अकेले ही नहीं है, ये बच्चे भेज दिए, एक तो हमारा समाज वैसे ही व्यवहारी है और हमें चाहिए बड़ा विद्वान, तुम क्या करोगे? अब भैया हमारी तो अंध हो खतरे में। हमने कहा महाराज घर ले चलो, अंध हो करा दो, कब के चले हुए, भूख लग रही है, फिर तुम बाहर में देखना जो भी करना हो। कहले हाँ चलो घर चलो। गए एक ही घर था वहाँ मोक्षु का, तो गए तो भोजन कर लिया, तो बोले देखो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं लेकिन आप हमारे यहाँ नहीं चल पाओगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सागर का ही हूँ, यहाँ से बस पकड़ूंगा अभी सागर पहुँच जाऊँगा, समस्या ख़त्म आपकी, और मेरा दोस्त भी वहीं का, हम तो दोनों चले। लेकिन मैंने कहा एक काम करो, अब कल सुबह से आपके 10 लक्षण प्रारंभ होने हैं, और अगर मैं चला गया तो अर्जेंट में जयपुर से विद्वान नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब तो सब चले गए, रवाना हो गए, कोई दूसरे के छोड़ के तो आएगा नहीं। तो आप एक काम करो, अभी चलो मेरे साथ मंदिर और आप एक प्रवचन करा लो, और आपको अगर प्रवचन समझ में आए तो फिर रुक जाना, देख लेना। तो बोले हाँ ये ठीक है। गए तो एक वहाँ 4-5-10 महिलाएँ बैठी थी और एक अम्मा पढ़ रही थी, तो मैं गया तो बोले जयपुर से पंडित, तो मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया, तो वो बोले पंडित जी आए हैं, तो वो थोड़ा उनका बोल ले दो उनको, तो वैसे शास्त्र खोल के बैठी थी, तो वो कहने लगे कि जयपुर से आए। बोले हाँ। तो बोले पंडित जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लाए? हमने कहा मत लाओ।
कि जो खुला है जिस पेज पे है जो तुम्हारा पैराग्राफ है वही बता दो, वही से समझाऊंगा। और मैंने कहा पहले ही शब्द पढ़ा तो उसमें आत्मा लिखा था। बोले देखो ये जयपुर वाले आत्मा के चालू हो गए। अरे मैंने कहा मैंने थोड़ी लिखा है, इसमें पहले ही से लिखा हुआ है। तो मैंने करा प्रवचन तो उनको अच्छा लगा, तो बोले नहीं चल जाएगा बढ़िया है, हुआ प्रवचन। अभी घटना में ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या वहाँ, कि अगले दिन से क्या हुआ कि मैं सुबह से गया तो कुर्ता पहन के गया, तो वहाँ पे पूरा प्रक्षाल अभी से कि धोती पहन ली सुबह, फिर उसके बाद पूजा प्रक्षाल करने के बाद वो करके सीधा वहाँ से प्रवचन किया धोती पे, फिर चले गए हम कमरे पे, वहाँ कुर्ता पजामा पहना, या नहीं बीच में घर जाके कुर्ता पजामा पहन के फिर आते थे प्रवचन करने। तो गए तो कुर्ता पजामा पहने मंदिर में, और बाल भी भाग्य से मेरे छोटे छोटे थे उस समय, पता नहीं क्या था। तो प्रवचन करने के बाद वो जिनके यहाँ भोजन होवे वो वहीं खड़े हो जाए मंदिर के बाहर, बोले साहब हमारे यहाँ भोजन है, तो वहीं से भोजन करने चले जाएंगे। और भोजन करके आए रूम पे और अपना आगे दोपहर में फिर छेड़ाला की क्लास लेता था, तो वो कुर्ता पजामा पहन के फिर आ गया। फिर शाम को वहीं से छेड़ाला की क्लास ली 4:30 बजे तक, वो फिर आ गए, बोले साहब यहीं से चलो भोजन करने, तो फिर चले गए। तो किसी को पता ही नहीं चला मेरे बारे में मैं पैंट शर्ट भी पहनता हूँ। अब ऐसा मैं 10 दिन तक प्रवचन करता रहा। अब 10 दिन के बाद मैं तो वही प्रवचन पूरा करके अपने घर आ गया सागर। अब सागर आ गया और 2-3 दिन बाद मैं सागर में कटरा में जीन्स और शर्ट और गर्मी का टाइम चश्मा टोपी बाइक, और मैं खड़ा था बीच कटरा में, वो माल थोन का एक आदमी आया होगा कुछ माल खरीदने, और मेरी ताऊ की दुकान में ही, और मैं तो वही खड़ा था, तो एकदम आया मेरे से और बोला जय जिनेंद्र। तो मैंने भी बोला मेरे को कुछ भी नहीं बताया जय जिनेंद्र, पहले पहचाना नहीं पहचाना, बोले आज से मेरी धर्म से पूरी श्रद्धा उड़ गई। अब मैंने कहा भैया क्यों क्या हो गया क्यों उड़ गई, बोले आपको देखकर। मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया। मैंने कहा क्यों भैया मैंने क्या कर दिया, बोले आपको याद है अभी आप माल धोन आए थे वही हो ना। हाँ मैंने कहा बिल्कुल आया था सही बिल्कुल वही हूँ। बोले आप वहाँ क्या कर रहे थे, मैंने कहा वहाँ क्या कर रहा था भाई प्रवचन कर रहा था। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने कहा आपने घर में शांति से आपकी दुकान है खड़ा हूँ। बोले मैं तो आपको ब्रह्मचारी समझता था और आपके तो रंग यहाँ देखे वहाँ तो बड़े सीधे सीधे बनते थे। अरे भाई मैंने कहा भैया मैं ऐसा हुई नहीं, मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ स्टूडेंट हूँ, मैं शादी भी करूँगा मेरे भाई। मैंने कहा यार मैं अपना, बोले नहीं नहीं वो तो भाई व्यवहार ही पक्का, वो तो भाग्य बिल्कुल ऐसा बोल गए। उस दिन से मैंने कहा कुर्ता रंगीन समझ में आया, बाल बराबर, और दोपहर में पैंट शर्ट पहन के ही जाना है जब तक शादी नहीं, बाद में फिर लाइसेंस हो गया बात खत्म हो गई। मतलब हमारी एक नेचर है कि हम जो आदमी की श्रद्धा है उसे हम आचरण में देखे बिना मानने को तैयार नहीं होते। और सम्यक दृष्टि की यही समस्या है कि उसका जो श्रद्धान है वो आचरण में दिखा नहीं सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि को मिलके सारे मिथ्या दृष्टि बोले तो कभी वो झगड़ा नहीं करता कि नहीं नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूं, वो कहता है तुम सही कहते हो। भरत जी से लोग कहते थे तुम भोगी हो, तो वो कहते थे बिल्कुल ठीक कहते, क्यों कि भैया तुम जहां से सम्यक दर्शन देखना चाहते हो धर्म देखना चाहते हो मैं अभी उस भूमिका में दिखा सकता नहीं और तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारे एक भी तीर्थंकर एक भी महापुरुष चौथे गुणस्थान में प्रवचन नहीं करते, जबकि रहते छायक सम्यक दृष्टि है। तो उनको प्रवचन करना चाहिए कि नहीं। आदिनाथ भगवान ने जब वो राजा ऋषभदेव की भूमिका में थे तो उस समय छायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, और जब वो छायक सम्यक दृष्टि थे और असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प का उपदेश दे सकते थे
तो धर्म का उपदेश नहीं दे सकते थे क्या? प्रश्न क्यों नहीं दिया? और बताओ संजय जी, नवीन जी, फिर उनका सम्यक दर्शन था कि नहीं? और था तो उनका प्रभावना अंग था कि नहीं? तो क्या काम कर रहा था प्रभावना अंग? ना तो एक मंदिर बनवाया, ना किसी को प्रवचन सुनाए, तो प्रभावना अंग कैसे था बताओ? घटित करके दिखाओ बाहर में प्रभावना अंग। और उल्टा रोज नीलांजना का निरख तो देखते थे खड़े हो, नहीं बैठ के देखते हो बताओ? आप घटित करके देखा तो मैं यहाँ तो बहुत हल्ला मचाते हो, पंचम काल वालों पे तो सारी शर्तें लगा रखी। प्रभावना अंग सिद्ध करो, निसंकेत करो, निकांचित करो, उनका करके दिखाओ कोई संग। बोलो किस चीज के लिए मना करते थे भरत जी? कोई चीज के लिए मना करते थे कि भैया इतनी खीर काय को बना रहे हो? रहन तो मैं तो ऐसे ही कर, मैं जबकि कह देता हूँ इतना भोजन मत बनाओ, मेरे को जरा सा लेना। लेकिन भरत जी कभी नहीं बोलते थे लगे रहो सबके साथ, हाँ 1000 रसोईया लगाओ, 363 और काजू किशमिश खिलाओ, उसका दूध निकालो, कहानी सबको बता है। क्या करोगे उनके निकाल चिंतन को सिद्ध करके दिखाओ? है कोई तुम्हारे पास रास्ता? पर तुम शास्त्रों में लिखा है कि वे 6 सम्यक दृष्टि थे, बाहर से सिद्ध करके दिखाओ ना कि सम्यक दृष्टि थे, बाहर से बताओ। है अपन लोग बड़े बड़े गजब गजब के लोग हैं, तो बोले महावीर ने शादी क्यों नहीं करी? बोले साहब आयु कम थी ना। कमाल कमाल, पता नहीं कौन कौन लॉजिक ले लेके आ जाता है। मैंने भाग इतनी धंधों ने सब सोच समझ के करी कि बहुत टाइम है पहले कर लेते। अरे उनको राग नहीं आया तो नहीं करी, वहां से कुछ भगवान को नहीं आया तो नहीं करी, उसमें क्या है? और नेमिनाथ को आया बरात ले जाने तक काया ले गए और बीच में उखड़ गए चले गए, उसमें क्या है? कोई ज्ञानी धर्मात्मा भौतिक भाव की कोई प्लानिंग नहीं करते, तो सहज भाव से जो होता है होता है, फिर आ गया तो फिर आ गया, और जब तक नहीं आया तो नहीं आया।